टिकटॉक स्टार, भाजपा की नेता और बिग बॉस 14 फेम सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई? ये सवाल इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि परिवार उनकी हार्ट अटैक से मौत की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। सोनाली की मौत को लेकर परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। टिकटॉक की बोल्ड स्टार बिग बॉस में दिखी बेबाक सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं है। 41 साल की सोनाली की मौत की खबर उनके फैंस के लिए, परिवार के लिए शॉकिंग रही। हरियाणा के राजनेता भी इस खबर से हैरान रह गए। इतनी कम उम्र और अचानक मौत। बताया जा रहा है कि सोनाली को 22 अगस्त मंगलवार की देर रात हार्ट अटैक आया था जिसमें उनकी मौत हो गई। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर परिवार सदमे में है। इतनी फिट सोनाली को दिल का दौरा कैसे पड़ गया, ये सवाल उनके मन में उठ रहा है। सोनाली की बहन रुकेश और रेमन फोगाट ने सोनाली की मौत के पीछे कोई साजिश होने की आशंका जाहिर की है। बहन ने बताया कि सोमवार रात जब सोनाली से बात हुई थी तो वह कह रही थी कि उनके साथ गलत हो रहा है। मम्मा से बात हुई थी घर बुथन गाँव में जी। तो वैसे कह रही थी मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ। बोले जाएंगे, जैसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई भी पता नहीं है। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे। सोनाली की जेठानी ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि वो एकदम फिट थी, परफेक्टली ऑल राइट, और कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। नॉर्मल, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी बात। खाने पीने को लेकर के उन्होंने बताया? हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। परिवार हार्ट अटैक की थ्योरी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। परिजनों ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट सोमवार रात अंजुना में कर्लीज रेस्टोरेंट में थी। इसी दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथनी अस्पताल में लाया गया था जहां उनका निधन हो गया। हालांकि गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। गोवा पुलिस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मंगलवार को इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी 2 सदस्यीय समिति गठित की है। आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गोवा डीजीपी को पत्र लिखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की कार्यवाही की जानकारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।